by Minister Sri Hansraj Gangaram Ahir. Mananiya Sabhapati Ji, main dinank 11 March 2017 ko Sukma mein, jahan Chhattisgarh mein suraksha balon par jo hamla hua tha, uske bare mein main vaktavya dene ja raha hu. Mahoday, 11 March 2017 ko CRPF ki दो कंपनियां सुकमा जिले के भेजी गोरखा इंजीराम सड़क निर्माण कार्य के लिए सुरक्षा हेतु तैनात थी। लगभग सुबह में 8:53 पर जब सुरक्षा बल ग्राम बांकुपाड़ा से सटे जंगल में पहुंचा तो वामपंथी उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला करते हुए हेवी फायरिंग के साथ में आईईडी का इस्तेमाल किया और इस घटना में दुर्भाग्यवश 12 सुरक्षाकर्मी वीरगति को प्राप्त हुए तथा दो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की स्थिति स्थिर है तथा वे खतरे से बाहर हैं। इस घटना में वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा कुल 13 हथियार एवं वायरलेस सेट छीने गए। वीरगति प्राप्त घायल सुरक्षाकर्मियों के नाम जो निम्नलिखित हैं, जो शहीद हुए ऐसे वीरगति प्राप्त सुरक्षाकर्मी निरीक्षक जगजीत सिंह, दो सहायक उपनिरीक्षक हीरा वल्लभ भट्ट, सहायक उपनिरीक्षक नरेंद्र सिंह, हवलदार पीआर मैंडे, हवलदार जगजीत प्रसाद बिश्नोई, सिपाही सुरेश कुमार, सिपाही मंगेश बाल पांडे, सिपाही रामपाल सिंह यादव, सिपाही गोरखनाथ में से सिपाही नंद कुमार अतराम, सिपाही सतीश चंद्र वर्मा और सिपाही के शंकर। जो घायल सुरक्षाकर्मी हैं उनमें सिपाही जयदेव प्रमाणिक और सिपाही मोहम्मद सलीम वंगल। मैं वीरगति प्राप्त सुरक्षाकर्मियों के शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं और उन्हें बताना चाहता हूं कि उनके शोक की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। उनके बलिदान को यह देश हमेशा याद रखेगा। घायल वीरों की प्राप्त और अच्छी से अच्छी चिकित्सा कराई जा रही है और मैं पूरे सदन की ओर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मनोकामना करता हूं। वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध सुरक्षा बलों की अप्रत्याशित कामयाबियों से वामपंथी समूहों में हड़बड़ाहट स्पष्ट के रूप में प्रतीत हो रही है। वर्ष 2016 में सुरक्षा बलों ने सभी वामपंथी उग्रवाद के प्रस्तावित राज्यों विशेषकर छत्तीसगढ़ में जबरदस्त सफलता प्राप्त की तथा 135 उग्रवादियों को मार गिराया है और 779 को गिरफ्तार किया और 1198 ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2015 में वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 15% की कमी आई है तथा हिंसक घटनाएं वर्ष 2015 में 466 के से घटकर 2016 में 395 हो गई है। पिछले वर्ष के सभी आंकड़े सुरक्षा बलों की दक्षता व कार्यक्षमता का प्रमाण है। वर्ष 2015 की अपेक्षा वर्ष 2016 में मारे गए वामपंथी उग्रवादियों की संख्या में 150% की वृद्धि हुई है। 2015 में 89 से 2016 में 222 के संख्या में अंतर है। वर्ष 2015 की अपेक्षा 2016 में वामपंथी उग्रवादियों के आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी में 47% की वृद्धि हुई है। 2238 जो 2015 में आत्मसमर्पण किए थे, गिरफ्तार किए थे, 2016 में 3282 ऐसी संख्या बढ़ी हुई है। सुरक्षा बलों द्वारा वर्ष 2016 में सिर्फ 3 हथियार गंवाए जबकि वर्ष 2015 में संख्या 15 हो गई है। 67% मुठभेड़ों में वामपंथी उग्रवादी मारे गए, यह संख्या वर्ष 2015 में सिर्फ 36% थी। दक्षिण बस्तर में जो कि वामपंथी उग्रवाद का गढ़ है, हिंसा की घटनाओं में 22% से की कमी हुई है। वर्ष 2016 में वामपंथी उग्रवादियों के
अप्रत्याशित हानि उठानी पड़ी, अप्रत्याशित हानि उठानी पड़ी, इसका जिक्र उन्होंने अपने बयानों में एवं दस्तावेजों में खुलकर किया है। वामपंथी उग्रवादी अपने कैडर्स के गिरते हुए मनोबल को बढ़ाने के प्रयास में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के हेतु प्रयासरत रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे वीर जवान और अधिकारी इसका मुकाबला डटकर करेंगे और वामपंथी उग्रवाद को उग्रवाद का शीघ्र से शीघ्र अंत सुनिश्चित करने में अपना पूरा योगदान देंगे। परंतु इस घटना में विशेष पर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। गृह मंत्री जी ने महानिदेशक सीआरपीएफ को निर्देशित किया है कि इस मामले की पूर्ण जांच कर उसका रिपोर्ट दे, ताकि घटना हमारी किस कमी से हुई है यह मालूम पड़ सके। ऐसी घटनाओं की संभावना को हम कम किया जाए और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। गृह मंत्री जी ने घटना के दिन ही छत्तीसगढ़ जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा घायलों से मुलाकात की। शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई। जीवन की क्षति की भरपाई आर्थिक मदद से पूरी नहीं हो सकती, फिर भी शहीदों के परिजनों को केंद्र सरकार से रुपये 35 लाख एक्स ग्रेसिया, रुपये 20 लाख सीआरपीएफ रिक्स फंड से और रुपये 1 लाख सीआरपीएफ वेलफेयर फंड से दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त रुपये 25 लाख बीमा योजना के तहत तथा रुपये 3 लाख एक्स ग्रेसिया छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा भी दिया जाएगा। शहीदों के उत्तराधिकारियों को उनके सेवानिवृत्ति की अवधि तक पूर्ण वेतन लिबराइज पेंशनरी अवार्ड के तहत दिया जाएगा। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार सुरक्षा बलों को हर प्रकार से सक्षम करने हेतु कृतसंकल्प है। इसी प्रकार हम राज्यों की सहायता जो ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग से में करते रहेंगे, साथ ही इंटेलिजेंस शेयरिंग तथा आवश्यकता अनुसार केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती जारी रहेगी। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहूँगा कि वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए देश के कुछ हिस्सों में विकास के लाभ से वंचित रखने एवं जनता को गुमराह करने की नीति को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मैं एक बार फिर बीएलटी प्राप्त सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके परिजनों को के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। धन्यवाद। Yes, thank you. An announcement by the chair. I have to inform. This is a sumo to statement. Yeah. We are entitled to ask clarifications. Can't there be a time slotted for next week where we can ask clarifications on the statement? No problem. Yeah. Sir, yeah. जो समय कोई तय कर लेंगे तो जरूर। Yeah. Okay. So that is accepted. Your suggestion is accepted. Now I have to inform the members that the Business Advisory Committee, in its meeting held on the 16th of March 2017, has allotted time for the government legislative business as follows. Business, consideration and return of the appropriation bills relating to the following demands for grants after they are passed by the Lok Sabha. Time allotted, 3 hours. Then demands for excess of grants, railways for 2013, to be discussed together, that is 3 hours. Then consideration and return of the finance bill 2017 after it is passed by Lok Sabha, 3 hours. Consideration passing the following bills after they are passed by the Lok Sabha. A, the Indian Institute of Management Bill 2017, 2 hours. B, the Footwear Design and Development Institute Bill 2017, 1 hour. C, the Interstate River Water Disputes Amendment Bill 2017, 4 hours. D, the Constitution
Schedule Caste Order Amendment Bill 2017, 1 hour. Next, consideration and agreeing to the amendments made by the Lok Sabha to the Maternity Benefit Bill 2016 as passed by Rajya Sabha to be passed without discussion. Now, special mentions. Those who the name will call, they can lay it on the table if they are available. Sri K.C. Ramamurthy? No. Thank you, sir. You can lay it on the table, yes. Yes. Subject. Can I just? Sir, tell the subject. So I'll introduce the subject. Tell the subject and lay it on the table. Sir, I would like to make a special mention on and demand the government to withdraw the transaction charges being charged by various banks. It is not only unethical, it is causing a lot of inconvenience to a lot of people, sir. I want that to be withdrawn. Okay, thank you. At the same time, sir, the minimum balance that is to be kept in the bank, that is also not in terms of... Now you lay it on the table. Yes. Sri Vansukh Sai. Sir, need to enhance LPG availability in the Northeast, sir, so I lay in the tables. Okay, thank you. Srimadi Jernandas Baidya? Not present. Not present. Sri K.K. Ragesh? Sir. Mention the subject and lay it on. Just for 30 seconds, sir. Vast majority of the people of Lakshadweep, Union Territory of Lakshadweep, they are depending upon fishing, especially the tuna fishing and coconut cultivation. But unfortunately, there is no proper procurement and storage facility is being set up. Okay. So I am demanding through this special mention for setting up of coconut and corn-based industries. Thank you. And also Professor to provide a revolving fund Professor Ami Rajiv Gowda. The procurement of tuna fish. Okay. Thank you, sir. Professor Ami Rajiv Gowda. Sir, my subject is the growing gender gap in education and the need to remedy that urgently. Okay, thank you. Dr. V. Maitreyan. Maitreyan is not there. Sri Vivek Gupta. Sir, thank you. With your permission, I would like to lay on the table immense hardship on account of unbanked 359 villages to the poor people of Bengal. Okay, thank you. Sri Mohammed Nadimul Haq. Sri Motilal Vora. Sri P.L. Punia. Shikshan Sanstao mein Anusuchi Jati, Anusuchi Janjati ke virudh छुआछूत गैर बराबरी उत्पीड़न को रोकने के लिए या तो अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाएं या इस बारे में अलग से कानून बनाकर ऐसी संस्थागत व्यवस्था की जाए ताकि इस वर्ग के छात्रों और अध्यापकों के विरुद्ध हो रही घटनाओं पर प्रभावी रोक लग सके और उन्हें न्याय मिले। श्री डेरिक ओब्रायन। डेरिक ओब्रायन और स्पेशल मेंशन। सॉरी Women, you know the subject. Women, yes. Women empowerment in Bengal and Kolkata are being declared the safest city by the National Crime Records Bureau. But your chief minister herself is woman, so there must be. Okay. Sri Palvai Govardhan Reddy. Yes, Govardhan Reddy. Yes, sir. Special mention, sir. Concerned over diverting NABARD funds for Polavaram Dam construction without environmental clearance, sir. One of the objectives of NABARD is to provide... Okay. Lay it on the table. That's enough. Half minute. Mention the subject, that's all. Only half minute, sir. Credit for promotion of agriculture, including irrigation. But there is a caveat. The caveat is NABARD has to provide. Now you can lay it on the table. Government only. Now you can lay it on the table. Clearances and permits okay. to project are obtained. All right. Thank you very much. The House stands adjourned till 11 a.m. on Friday, the 17th March 2017.